अपने रूफटॉप गार्डन से, किचन गार्डन से कॉलीफ्लावर आप तोड़ी थी, उसका मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर किया था। तो अब हम इसको आज बनाने जा रहे हैं घर में, तो मैंने बोला आप लोग के साथ शेयर करूं। ये देखिए, इसको हमने तोड़ के गर्म पानी में ऐसे थोड़ा सा बॉयल रख दिया है, ताकि कुछ इसमें अगर बैक्टीरिया हो, हल्दी और अपना नमक डाल के, तो थोड़ा। तो देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ प्रोसेस। ये हमने पहले अपना जीरा डाल दिया है इसमें, ये देखिए, और फिर उसके बाद हम अपनी ये जो कॉलीफ्लावर है इसको हम डालने वाले हैं इसी के अंदर। ये देखिए कितनी शानदार है कॉलीफ्लावर मेरी, ये देखिए, ये देखिए। अभी देखिए हम इसमें डाल, ये देखिए, अब हम इसको बढ़िया तड़का लगा रहे हैं। इसका ऑर्गेनिक वेजिटेबल का स्वाद ही अलग होता है, अगर आप घर का खुद का बनाएंगे तो इससे बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको कोई जो केमिकल पेस्टिसाइड्स से आजकल बीमारी हो रही है, जो कैंसर वगैरह जो लोगों में फैल रहा है, मेन रीज़न ये भी है इसका। तो आप बढ़िया ऑर्गेनिक घर में अपना किचन गार्डन बनाइए, ज़रा सा अपने घर के लाए कि आप वेजिटेबल्स ग्रो करके बना सकते हैं। और कुकर की सीटी है, दाल उसमें भी हो रही है, देखिए इसका अलग ही टेस्ट होता है, इसका अलग ही टेस्ट होता है मार्केट के कॉलीफ्लावर और घर के कॉलीफ्लावर में, और जिसका कोई मतलब कंपेयर करना ही नामुमकिन है, क्योंकि ये टेस्ट और उस टेस्ट में बहुत फर्क आता है। और मैं भी घुमा देता हूँ, अब हम इसमें काट के टमाटर डालने वाले हैं, ये देखिए ये टमाटर डाल रहे हैं हम, देखिए बढ़िया टमाटर डाल रहे हैं इसके अंदर। टमाटर भी हमारे घर के ही हैं, ये मेरे नीचे ऊपर जो लगाए थे मैंने अपने कंटेनर में, वही टमाटर है ये भी। आज घर पूरा सब घर का ही हम यूज करने वाले हैं वेजिटेबल, देखिए शानदार कॉलीफ्लावर पक रही है इसमें। अब इसमें हम जैसे ही फ्राई हो जाएगी तो इसमें हम प्याज डाल देंगे, देखिए प्याज काट के, और ये सुबह का टाइम हो रहा है, गुड मॉर्निंग बोल रही है मैं भी टाइम आप लोगों को। और अब हम प्याज काट के डालने वाले इसके अंदर, देखिए ये बिल्कुल नई स्टाइल में बना रहे हैं आज हम लोग, ये हमारी मैडम बना रही है घर में, जो हमारी घर पे राज करती हैं, जो हमारे और मुझ पर भी, देखिए इसको मैं चला देता हूँ। ये हमारी बीच बीच में आपको ऐसा डिस्टर्बेंस आता रहेगा तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा, कि हम लोग को भी जल्दी जल्दी रहता है सब का काम करने का। ये देखिए ये प्याज इसमें डाल दिए, बढ़िया प्याज भी फ्राई हो रहे हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल, ये देखिए। और अब इसमें हम लोग लहसुन डाल रहे हैं बारीक काट काट के, देखिए हम लोग ऐसे ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते हैं, तो मीडियम हल्का फुल्का, अब ये देखिए। और ये इसमें लाल मिर्च डाल दी है इन लोगों ने, और थोड़ी सी हल्दी डाल रहे हैं, ये देखिए, और इसको बढ़िया घुमा दीजिए आप,
देखिए इसको बढ़िया फ्राई होने दे रहे हैं। अब जल्दी जल्दी इसमें थोड़ा सा मटर भी डाल देते हैं। कुकर हमारा बीच में ऐसी सीटी देता रहेगा। ये देखिए कलर अच्छा आ चुका है इसमें। देखिए ये देखिए कलर शानदार आ गया इसमें। मैं फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ आप लोग के साथ ऐसा, तो मैं चलिए आप किचन तक भी ले जाऊँ मैं आप लोगों को और हमारे ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स के बताएं कि हम लोग कैसे बना के खाते हैं। खाते नहीं बता सकते हैं और ये कि कैसे सब्जी बनाते हैं। तो एक नया एड ऑन कर रहा हूँ मैं आज इसमें। ये देखिए ये बढ़िया कॉलीफ्लावर है अच्छी। देखिए कैसी कलरफुल हो चुकी है। ये देखिए दूर से दिखा दूं। ये देखिए ये मटर डाल रहे हैं अब हम लोग। शानदार देखिए मटर डाल दिए इसमें। बढ़िया वाह वाह कलर तो बढ़िया अच्छा लग रहा है, दिख रहा है। देखिए मटर भी डाल दिए। बढ़िया देखने में तो एक नंबर लग रही है। ये देखिए नमक का हमने थोड़ा नमक भी डाल दिया टेस्ट अनुसार। और देखिए ये इसको ऐसे चला रहे हैं हम लोग। बढ़िया मटर भी इसके साथ फ्राई हो जाएगी, पक जाएगी। और ये देखिए और मेरे ख्याल से अब 5-10 मिनट में पक जाएगी और फिर मैं आपको इसको फाइनल दिखाऊंगा आपके साथ। तब तक हम लोग इसको ढक के पकने के लिए छोड़ देते हैं 10 मिनट के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स फाइनली हमारी कॉलीफ्लावर की सब्जी रेडी होगी। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए वाह कितनी बढ़िया लग रही है। देखिए मैं जरा लाइट चालू कर लूं। ये देखिए लाइट चालू कर दी। ये देखिए कितनी शानदार। ये देखिए तो ये आज हमारी कॉलीफ्लावर सब्जी बन गई है, साथ में चाय भी बन रही है। बढ़िया देखिए वाह वाह। और ये मेरे कॉलीफ्लावर, मैं इसका एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ मेरा ऑर्गेनिक कॉलीफ्लावर का। तो ये देखिए ये फाइनली हमारी सब्जी रेडी हो गई। ठीक है फ्रेंड्स थैंक यू। स्टे कनेक्टेड स्टे सेफ। थैंक यू बाय बाय।